मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे देश में दलित वर्ग के लोगों के साथ साथ जो अति पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, तो वो ना कांग्रेस के बहकावे में आने वाले हैं, ना बीजेपी, ना अन्य किसी और पार्टी के, क्योंकि इनको ये बात अच्छी प्रकार से मालूम है कि इनको जो कुछ भी मिला है तो वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से ही मिला है। बनाए गए मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी को सबसे पहले मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन ये बेहतर होता कि यदि कांग्रेस पार्टी पहले ही इनको पूरे 5 वर्ष के लिए यहाँ का मुख्यमंत्री बना देती, किंतु अब कुछ ही समय के लिए इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना, तो इससे तो ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। साथ ही मीडिया के जरिए आज ही मुझे ये भी मालूम हुआ कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव इनके नेतृत्व में नहीं बल्कि गैर दलित के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, जिससे भी ये साफ जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का दलितों पर अभी तक भी पूरा भरोसा नहीं जमा है। किंतु इनके इस दोहरे चाल चरित्र व चेहरे आदि से वहाँ के खासकर दलित वर्ग के लोगों को जरूर सावधान रहना है, लेकिन इससे ये भी स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ अकाली दल व बीएसपी के बने गठबंधन से काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है। और मुझे ये पूरा भरोसा है कि पंजाब के दलित वर्ग के लोग भी इनके इस हथकंडे के बहकावे में कतई भी नहीं आने वाले हैं। वैसे तो सच्चाई ये है कि इनको वे अन्य विरोधी पार्टियों को भी मुसीबत में ही या फिर मजबूरी में ही दलित वर्ग के लोग केवल इन्हें याद आते हैं, ये भी सर्वविदित है। जैसे आप लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ही उदाहरण लीजिए, तो यदि कांग्रेस पार्टी के पास जब अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए थे, हालांकि संविधान बनने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई थी, जब अंग्रेज रजाबंद हो गए थे कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे, तो जब भारतीय संविधान को बनाने की बात आई तो उस समय यदि कांग्रेस पार्टी के पास पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास एंड कंपनी के लोगों के पास, यदि इनके पास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा काबिल हो आदमी होता, तो ये किसी भी कीमत पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान को बनाने में उसमें शामिल उनको नहीं करते। और आज जो पूरे देश में दलितों को, आदिवासियों को, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को जो कुछ भी उनको कानूनी अधिकार मिले हैं, तो शायद वो भी नहीं मिलते। और इतना ही नहीं, आज जो पूरे देश में तो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग जो थोड़े घने सुरक्षित हैं, तो शायद ये भी नहीं होते, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश का संविधान किसी जाति और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि धर्म निरपेक्षता के आधार पर ही बनाया था। इतना ही नहीं, तो ये भी मैं दलित वर्ग के लोगों को बताना चाहती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि ठीक इसी प्रकार यूपी विधानसभा के आम चुनाव होने से कुछ, जब अब यूपी में भी विधानसभा का आम चुनाव होने के लिए कुछ समय बचे हैं, तो ठीक इसी प्रकार से यूपी विधानसभा आम चुनाव होने के कुछ समय पहले ही, अब जब कुछ ही महीने बचे हैं, तो यहाँ भाजपा भी, खासकर ओबीसी समाज के प्रति, यहाँ पर भाजपा का भी खासकर ओबीसी समाज के प्रति उभरा नया नया प्रेम वास्तव में ये दिखावटी वह हवा हवाई आदि ना होकर यदि थोड़ा भी
सही व सार्थक होता तो इनकी केंद्र व यूपी सहित अन्य राज्यों की भी सरकारें इनके साथ साथ तो एससी व एसटी की भी सरकारी नौकरियों में अभी तक इनके बैकलॉग को जरूर भर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी पूरे देश में चाहे एससी एसटी का मामला ओबीसी का मामला है तो सरकारी नौकरियों में इनके पद अभी तक भी खाली पड़े हैं।